नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी। बिजनौर ड्रग व स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के मुस्कान हॉस्पिटल पर मारा छापा। छापामार कार्रवाई के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल में कई अनियमितताएं पाई। बिना लाइसेंस के चल रहे मेडिकल स्टोर को किया सीज, 1 लाख से अधिक कीमत की दवाइयां जब्त की हैं। दरअसल बिजनौर जिले में इन दिनों स्वास्थ्य विभाग ने अवैध अस्पतालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिले में जगह जगह खुले अवैध अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में आज स्वास्थ्य व ड्रग विभाग की टीम ने कोतवाली शहर क्षेत्र के चांदपुर की चुंगी पर स्थित मुस्कान हॉस्पिटल पर SDM के नेतृत्व में छापा मारा। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल में बिना लाइसेंस के चल रहे मेडिकल को सीज कर दिया। वहां रखी करीब 1 लाख की दवाइयां जब्त कर इस मामले में ड्रग इंस्पेक्टर उमेश भारती का कहना है कि मुस्कान हॉस्पिटल पर हम छापा मारा है, यहां पर बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर चल रहा था। लगभग 1 लाख रुपए की दवाई जब्त कर ली है। मेडिकल स्टोर को सीज किया जा रहा है। जी सर, क्या नाम है आपका? सर आज ये छापेमारी है, क्या पूरा मामला? एक गोपनीय सूचना मिली थी, साथ में लिखित सूचना भी आई थी कि मुस्कान हॉस्पिटल में बिगर लाइसेंस से संचालित मेडिकल स्टोर चल रहा है। उसी क्रम में छापामार कार्रवाई की गई है, जिसमें हमारी मंडलीय टीम भी है। औसत निरीक्षक राम कुमार रामपुर मुकेश कुमार, औसत निरीक्षक मुरादाबाद श्रीमती उर्मिला वर्मा जी। इसमें करीब 1 लाख रुपए तक की दवाइयाँ जब्त की जा रही हैं, सीज किए जा रहे हैं, नमूना विचार लिए जा रहे हैं, साथ में इसको कोर्ट में ले जा दिया। क्या अभी सीज कर दिया जाएगा? जी अभी हो गया सीजर कार्रवाई।